हेलो दोस्तों, मैं हूं सीएस चांडक और आज हम इस वीडियो में करेंगे सीसीजी, दैट इज काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, एक एमसीक्यू एक्सपेक्ट करता हूँ। इस बार भी एमसीक्यू आए थे यहाँ से, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस से, नेटवर्किंग गाइडलाइंस से एमसीक्यू आए थे, जो कि मैंने बताए थे। दोनों लाइन बहुत बहुत प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो और भी क्वेश्चन इसमें आने की बहुत बहुत अभी भी चांसेस है। और एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी मेरे को लगता है आ सकता है, जो कि मैं बताऊंगा नीचे कौन से नए कुछ गाइडलाइंस में इंसर्शन थी जो कि अभी तक पूछी नहीं गई है इंस्टीट्यूट के पास। तो काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 अपन स्टार्ट करते हैं क्विकली फटाफट। चैप्टर 2 बोलता है काउंसिल जनरल गाइडलाइन 2008 का, कि मेंबर जो कि एक एम्प्लॉई है, मोती जो कि एक एम्प्लॉई है, शैल एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड शैल नॉट बी ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ हिज ड्यूटीज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सीए इन प्रैक्टिस हूँ और मैं ग्रॉसली नेग्लिजेंट हूँ तो मैं कहाँ पे आऊंगा, शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 7 में आऊंगा। लेकिन अगर मैं मेंबर इन सर्विस हूँ, एम्प्लॉई हूँ, और मैं ग्रॉसली नेग्लिजेंटली काम करता हूँ तो मैं कहाँ आऊंगा, जहाँ पे गिल्टी किया जाता है, शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 1। शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 1 दैट इज जहाँ पे गिल्टी किया जाता है, जहाँ तुम गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हो। तो ये गाइडलाइन है चैप्टर 2, वो बोलता है कि मेंबर इंप्लॉई वाला उसको भी ड्यू डिलीजेंस रखना है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के लिए तो ऑलरेडी शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 7 में दिया ही है कि उसको भी ड्यू डिलीजेंस के साथ ही काम करना है। चैप्टर 5 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट क्या बोलता है, कि इस सीए फर्म को भी बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह सारी मेंटेन करनी है। इज अ पार्टनर शैल मेंटेन एंड कीप इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल प्रैक्टिस बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग मैंडेटरी, ये तो करना ही करना है तुमको, मान के चलो, कैश बुक और लेजर। इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल, जैसे कि सीए बोलता है कि मेरे तो ऑलरेडी यार बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं, मेरे को एज पर सेक्शन 44AA जो बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए सेक्शन दिया हो इनकम टैक्स एक्ट में, वो मेरे को जरूरत ही नहीं है, वो मेरे को एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करने वाला, मेरे को अगर मैंडेटरी नहीं है। लेकिन भाई सीए एक्ट में काउंसिल जनरल गाइडलाइन 2008 के चैप्टर 5 में दिया हुआ है कि तुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली कैश बुक और एक लेजर तो करना ही पड़ेगा, तो वहां पे वो जीपीएम हो जाएगा, वो मना कर दिया था इसलिए। चैप्टर 6 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट में बोलता है कि मोर देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट एक साल में तुम नहीं कर सकते। स्पेसिफाइड ऑडिट असाइनमेंट कितनी होती है, स्पेसिफाइड बोले तो होती है 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट। इसके अलावा 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट पर पार्टनर की बात करूं मैं, पर पार्टनर, ये सब तुम लोगों को पता ही होगा वैसे। इन द केस ऑफ सीए इन प्रैक्टिस स्पेसिफाइड नंबर जितना एवरी पार्टनर के लिए लगता है वो पूरी फर्म के लिए हो जाएगा। इसके अलावा मेन पॉइंट ये देखो कि हेड ऑफिस और ब्रांच का अगर दोनों का टैक्स ऑडिट है तो वो एक ही होता है, एक ही कैलकुलेट होता है, दोनों की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी एक ही जाती है, एक ही एंटिटी का नाम तो एक ही है, कंपनी का नाम तो एक ही है, ब्रांच एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती इन द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसलिए हेड ऑफिस और ब्रांच का जो करते हो तो एक ही रिपोर्ट जाती है 44AB के अंदर, 3CD 3CB, और वो कहलाएगी भी एक ही ऑडिट असाइनमेंट। ऑडिट ऑफ वन और मोर ब्रांचेस ऑफ द सेम कंसर्न बाय वन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस शैल बी कंसीडर्ड एज ओनली वन टैक्स ऑडिट असाइनमेंट। इसके अलावा पार्ट टाइम प्रैक्टिसिंग पार्टनर को तुम कंसिडर नहीं करोगे फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द लिमिट, फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग ऑफ लिमिट 60 इंटू नंबर ऑफ पार्टनर्स हो जाता है एक फर्म की लिमिट। लेकिन नंबर ऑफ पार्टनर में तुम ऐसे पार्टनर को नहीं लोगे जो कि पार्ट टाइम है, जो कि पार्ट टाइम है उसको तुम नहीं लोगे। स्पेसिफाइड नंबर मैंने बताया 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट पर पार्टनर, 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट पर पार्टनर इन द फर्म। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इन टैक्स ऑडिट एक ही पार्टनर सारे ऑडिट रिपोर्ट, दैट इज फर्म के पास 120 ऑडिट रिपोर्ट है और फर्म में दो ही पार्टनर है, तो एक सिंगल पार्टनर भी टैक्स ऑडिट असाइनमेंट सारी की सारी 120 को साइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कंपनीज एक्ट में एप्लीकेबल नहीं है, कंपनीज एक्ट में तुम्हारे काउंसिल जनरल गाइडलाइन में 30 दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट में 20 दिया हुआ है, दैट इज 20 पर पार्टनर, और काउंसिल जनरल गाइडलाइन में 30 पर पार्टनर दिया हुआ है। लेकिन वहां पर 30 पर पार्टनर बोले तो एक एक पार्टनर ही 30 30 30 या 20 20 एज पर कंपनीज एक्ट करेगा, ना कि 30 30 30 90 एक पार्टनर नहीं कर सकता। लेकिन कंपनीज एक्ट में ये अलाउड है कि 60 60 60 दैट इज 180 का 180 ऑडिट असाइनमेंट पूरा का पूरा एक ही पार्टनर साइन कर सकता है, तीनों पार्टनर फर्म है अगर मान लो तो एक ही पार्टनर तीनों कर सकता है। और इसमें सेक्शन 44AD के अंदर जो ऑडिट होती है ना, सेक्शन 44AD वो वाली ऑडिट्स वगैरह कैलकुलेट कंप्यूट करने के लिए नहीं होती, मतलब वो ऑडिट लिमिट तुम्हारी उससे कम नहीं होने वाली। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी ऑलरेडी कवर्ड है शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 में। अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी के केस में तुमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द ऑडिट फी, अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी ऑफ अनदर चार्टर्ड प्रैक्टिस की ऑलरेडी अनपेड है, तो तुम बोलो भाई पहले मेरे पुराने भाई की फीस पटा के उसके बाद ही तू मेरे पास आना, मेरे भाई की जब तक फीस नहीं पटाएगा तब तक मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ सिक यूनिट तू भाई की फीस मत पटा तो भी चलेगा मेरे को, सिक यूनिट है भाई तू बीमार है थोड़ा बहुत बहुत तेरी हालत खस्ता है, तेरा नेगेटिव नेटवर्क है। सिक यूनिट कौन होता है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, दैट इज ऐसा एंटिटी जो कि ऑलरेडी 5 साल से एग्जिस्टेंस में, प्लस उसका एसेट्स इज लेस देन लाइबिलिटी, दैट इज नेगेटिव नेटवर्क।
इसके अलावा स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंपनी ऑडिट असाइनमेंट वो सेम दिया जो ऊपर की लैंग्वेज दी थी स्पेसिफिक, अपन बस यहाँ पे स्पेसिफाइड नंबर क्या होता है वो देख लेते हैं। मैंने बताया 30 होती है, यहाँ पे कौन से जनरल गाइडलाइन में 30 दिया हुआ है, लेकिन कंपनीज एक्ट में मैं बता दूँ 20 दिया हुआ है। इसके अलावा भी डिफरेंस है, 30 और 20 में तो डिफरेंस है ही है। इसके अलावा डिफरेंस मैं बता दूँ इसमें एक्सक्लूजन, मतलब इन कंपनीज की ऑडिट अगर तुम करते हो तो इसको एक्सक्लूड करना है इन कंप्यूटेशन ऑफ द लिमिट, दैट इज इसके कारण तुम्हारी ऑडिट लिमिट कम खत्म नहीं होगी। कौन कौन सी कंपनी? 1% कंपनी दी है और डोरमेंट कंपनी, दैट इज ओपीसी एंड डोरमेंट कंपनी। इन द केस ऑफ 30 ऑडिट असाइनमेंट में वो कंक्लूड कंप्लीट नहीं कर, काउंटिंग नहीं करना है। वही कंपनीज एक्ट में तुम्हारा दिया हुआ है 20 ऑडिट असाइनमेंट एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मैं बता दूं क्या क्या दिया हुआ है। ओपीसी दिया हुआ है, डोरमेंट कंपनी दिया हुआ है, ओपीसी दिया हुआ है, डोरमेंट कंपनी दिया हुआ है, सेक्शन 8 स्मॉल कंपनी दिया हुआ है, एंड ओपीसी डोरमेंट कंपनी स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, ये 4 कंपनी दी हुई है तुम्हारे एक्सक्लूजन में, दैट इज ये कंपनीज को तुमको इंक्लूड नहीं करने वाइल कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ 20 ऑडिट असाइनमेंट एज पर कंपनीज एक्ट। क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो डिस्प्यूटेड डाइसी एरिया, तुमको दोनों लिमिट लिख के आनी पड़ेगी और अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से अब चूंकि ये रिवाइज लिमिट है तो तुमको बताना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट में तो इतना इतना अलाउ हो जाता है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में कौन से जनरल गाइडलाइन के तहत वो हो सकता है कि गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाए, क्योंकि काउंसिल जनरल गाइडलाइन में 30 ऑडिट असाइनमेंट्स दी है लेकिन यहाँ पे 1% कंपनी और डोरमेंट कंपनी को ही एक्सक्लूड किया है। तो अगर तुम मान लो प्राइवेट कंपनी की ऑडिट एग्जाम्पल ले लेते अपन, एग्जाम्पल मान लो 20 प्राइवेट कंपनी की है ऑडिट तुम कर रहे हो, प्लस तुम 10 डोरमेंट कंपनी की कर रहे हो, और इसके अलावा 20 नॉर्मल कंपनी की भी ऑडिट कर रहे हो, नॉर्मल कंपनी की भी ऑडिट, तो तुम यहाँ पे देखोगे ना तो कंपनीज एक्ट में गिल्टी नहीं हो, दैट इज कंपनीज एक्ट में तुम कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है ये अलाउड है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है ये अलाउड है, ये भी इंक्लूड नहीं होगा तुम्हारी लिमिट में, लेकिन ये इंक्लूड होगा, लेकिन तुम्हारी लिमिट में ही आ रहा है, 20 कंपनी की लिमिट है एज पर कंपनीज एक्ट तो अलाउड है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखोगे कहाँ पे, काउंसिल जनरल गाइडलाइन में, तो यहाँ पे तुमको बोलना पड़ेगा हो सकता है वो गिल्टी हो जाए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, क्योंकि 20 नॉर्मल कंपनी का यहाँ पे ऑलरेडी काउंटिंग में आएगा, इसके अलावा 20 प्राइवेट कंपनी भी अलाउ काउंटिंग में आएगी, ये बस काउंटिंग में नहीं आएगी, इसके अलावा 20 प्राइवेट कंपनी भी यहाँ पे काउंट में आएगी, जो कि 30 से एक्सीड हो जाता है तो तुम्हारा 40 हो गया, अगर 40 हो गया तो तुम गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के। आई होप यू अंडरस्टूड द एग्जांपल, अगर नहीं तो एक बार वापस से बैक करके देख लेना। बहुत सिंपल से पॉइंट है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, थोड़ा अलग अलग दिया है लिमिट, इस केस में तुमको दोनों चीज को कंसिडर करते हुए अपना ओपिनियन देना पड़ेगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। इन कंप्यूटिंग का स्पेसिफाइड नंबर ऑडिट असाइनमेंट में ऑलरेडी बता दिया कि ये पर पार्टनर लिमिट कंक्लूड होती हैड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का दोनों का एक ही ऑडिट असाइनमेंट माना जाएगा। पार्ट टाइम प्रैक्टिसिंग मेंबर का तुमको काउंटिंग लिमिट के लिए कंसिडर नहीं करना है, और सीएपी और फॉर्म ऑफ सीएशन मेंटेनर रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट असाइनमेंट व्हिच दे हैव एक्सेप्टेड। और मैंने बता दिया यहाँ पे पर पार्टनर 30 30 30 अगर होता है तो 90 एक ही पार्टनर नहीं कर सकता, ऐसा टैक्स ऑडिट में अलाउड था, 60 60 60 180 एक ही पार्टनर कर देगा तुम्हारा तीनों पार्टनर के बदले साइन, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पार्टनर ही साइन करेंगे, अलग अलग पार्टनर ही ऑडिट करेंगे, 30 30 30 तीनों पार्टनर, तीनों की लिमिट 30 30 30 है, ऑल्दो कंपनी एज अ फर्म एज अ होल की 90 लिमिट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं अपन अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर में, बोलते हैं कि अगर तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसके, पब्लिक सेक्टर कंपनी के, पब्लिक सेक्टर यूनिट के, सॉरी गवर्नमेंट कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के एंड एक ऐसी पब्लिक कंपनी का जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या मोर से कम है, अदर पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ और मोर, सॉरी कम नहीं सॉरी ज्यादा है, पब्लिक कंपनी जिसका 50 करोड़ या उससे ज्यादा टर्नओवर है, उस केस में तुमको ध्यान में रखनी बात, क्या ध्यान में रखनी, पीएसयू गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 50 करोड़ और मोर के केस में तुमको ध्यान रखनी है कि तुम्हारी बाकी कोई असाइनमेंट की फीस स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बाकी तुम कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट किए हो उस कंपनी से तो उस असाइनमेंट की फीस स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट से ज्यादा, स्टैट्यूटरी ऑडिट की फीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट इज अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस की 5 लाख है तो तुम्हारी अदर असाइनमेंट की फीस 5 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। लेकिन अदर असाइनमेंट में क्या क्या आता है, सब आता है अदर असाइनमेंट में, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वगैरह ये सब जो है वो तो सब आएगा ही आएगा, लेकिन ये 3 चीजें नहीं आती, क्या क्या नहीं आती, तुम कोई और स्टैट्यूट के अंदर ऑडिट कर रहे हो या अदर कंसल्टेंसी अदर सर्विस में नहीं आएगी, सर्टिफिकेशन वर्क करके दे रहे हो ये भी नहीं आएगी, और एनी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तुम इनकम टैक्स अथॉरिटी या सेबी या आरबीआई या जिसके पास भी तुम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो उस एंटिटी का बिफोर एनी अथॉरिटी, उस केस में भी तुम्हारा ये अदर सर्विसेज में नहीं आएगा। इसके अलावा जो सर्विसेज है वो सर्विस अगर तुम दे रहे हो, अगर पहली बात तो चार्टर्ड कंपनीज एक्ट में प्रोवाइड फॉर किया रहना चाहिए, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 144 ऐसी परमिट नहीं करता है, प्रोहिबिट कर देता है, प्रोहिबिटेड सर्विसेज है, अगर तुम ऑडिटर हो कंपनी के तो तुम ये सर्विसेज तो दे नहीं सकते। उसके अलावा भी तुम अगर कोई सर्विस दे रहे हो और जो कि यहाँ पे फॉल नहीं होता है तो वो सर्विस की फीस मोर देन 5 लाख, दैट इज मोर देन स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर 10 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर व्हेन इज इंडेटेड टू अ कंसर्न, मैंने बताया इंडेटेड टू अ कंसर्न और गिवन एनी गारंटी और एनी सिक्योरिटी नहीं चलेगा,
जनरल लिमिट है 1 लाख रुपए, लेकिन अगर स्पेसिफिकली स्टेट्यूट में दिया हुआ है, डेट इज स्पेसिफिकली लॉ में दिया हुआ है, तो वो लिमिट तुमको लेनी है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल तुम्हारी ले लो टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट में लिमिट दी हुई है तुम्हारी 1 रुपए के भी तुम इंडेटेड नहीं हो सकते हो क्लाइंट से। अगर तुम क्लाइंट से 1 रुपए का भी डेट इंडेटनेस हो तुम्हारा, तो तुम वो क्लाइंट की टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तुम रिलेटिव के इंडेटेड हो 1 लाख तक चलेगा, क्लाइंट से इंडेटेड हो 1 रुपए का भी तो नहीं चलेगा। टैक्स ऑडिट में इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है कि तुम टैक्स ऑडिटर नहीं बन सकते उस केस में। तो जहां स्पेसिफिकली स्टेट्यूट में दिया हुआ है लिमिट एज फिक्स्ड इन द स्टेट्यूट, तो वो चलेगा। और इन अदर केसेस जहां नहीं दिया हुआ है, वहां पे तुम्हारी लिमिट हो जाएगी 1 लाख। एग्जांपल जैसे ले लो तुम्हारा जीएसटी ऑडिट फी हो गई, तो जीएसटी ऑडिट पहले जो चलता था, तो जीएसटी ऑडिट में ऐसा कोई लिमिट नहीं दी थी, तो जीएसटी ऑडिट करते करते तुमको ये देखना पड़ेगा 1 लाख तक की फी। एग्जांपल ले लो कंपनी ऑडिट, कंपनी ऑडिट में फीस फिक्स है, तुम्हारी इंडेटनेस की लिमिट है 5 लाख। अगर 5 लाख इंडेटनेस की लिमिट है, तो मैं 1 लाख देखूंगा कि 5 लाख देखूंगा? 5 लाख देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फिक्स लिमिट है स्टेट्यूट में वो तुमको देखना है, और अगर फिक्स नहीं है तो तुमको 1 लाख देखना है। यही 1 लाख के कारण अपन ने देखा था रिसेंट जनरल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की जो रिसेंट डिसीजन लिए थे, उसमें 1 लाख का क्रेडिट कार्ड वाली जो लिमिट आई थी, वो इसी कारण 1 लाख की आई थी। इसके अलावा डायरेक्टर डायरेक्टर इन द केस ऑफ अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ ऑडिटर, उस केस में तुमको इनकमिंग ऑडिटर हो तुम, तो तुमको डायरेक्शन दे रही है इंस्टीट्यूट की, कोशिश करो कि अगर तुम्हारे पुराने भाई का अनजस्टिफाइड रिमूवल कर दिया गया है, बहिष्कार कर दिया गया, उसको भगा दिया गया एज एन ऑडिटर, तो तुम भी कोशिश करना कि तुम उस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट ना करो। नॉट टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इन द केस ऑफ अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ द अर्लियर ऑडिटर, और टू फॉलो डायरेक्शन एज मे बी गिवन बाय द काउंसिल। इसके अलावा यूडीन के ऊपर कुछ गाइडलाइन दी थी, जो कि अभी ऐसा रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, सारी चीजें 2019 के बाद से हो चुकी है। नेटवर्किंग से मैंने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एरिया है क्लास में भी, और नेटवर्किंग से आ भी गया था इस बार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देखो क्या बोलते हैं नेटवर्किंग, एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं। लार्जर स्ट्रक्चर इज एम्ड एट कोऑपरेशन एंड इज क्लियरली एम्ड एट प्रॉफिट और कॉस्ट शेयरिंग अमंग द एंटिटीज विद इन द स्ट्रक्चर, तो उस केस में तुमको नेटवर्क बोल दिया जाएगा। अगर तुम बहुत बड़ा स्ट्रक्चर एक बना रहे हो, बड़ा यानी जैसा भी स्ट्रक्चर बना रहे हो, और उसमें तुम्हारा कोऑपरेशन करने का ध्यान है, प्रॉफिट कॉस्ट शेयरिंग करने वाले हो तुम लोग, तो उस केस में तुमको नेटवर्क बोला जाएगा। मान लो मेरी एक सी ए फर्म है, मेरे भाई की सी ए फर्म है, उसके अलावा और भी सी ए फर्म है इंडिया में, हम सब एक नेटवर्क बना रहे हैं जिसका नाम है कॉमन होगा, जिस कॉमन प्रॉफिट शेयरिंग होगी, कॉस्ट शेयरिंग होगी, लार्ज स्ट्रक्चर है, कोऑपरेशन हम करेंगे साथ में, तो हम सब एक ही नेटवर्क के अंदर आएंगे। शेयरिंग ऑफ इमटेरियल कॉस्ट लेकिन हम कर रहे हैं, भाई पेपर कॉस्ट अपन एक ही कर लेते ना, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? थोड़ी बहुत इमटेरियल कॉस्ट वगैरह ये सब अगर तुम शेयर कर रहे हो, तो इससे तुम्हारा नेटवर्क क्रिएट नहीं होता है, तुम मेजर कॉस्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल और एक इमटेरियल कॉस्ट का देखोगे कि शेयरिंग ऑफ कॉस्ट इज लिमिटेड ओनली टू दोज कॉस्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट मेथोडोलॉजी मैनुअल और ट्रेनिंग कोर्सेज, इसके कारण तुम नेटवर्क नहीं क्रिएट हो जाएगा। अगर तुम सिर्फ ऑडिट मेथोडोलॉजी, ट्रेनिंग कोर्सेज, ये सबसे रिलेटेड जो भी लगेगा, मैंने बोल दिया कि भाई आज मेरे इंप्लॉइज और आर्टिकल असिस्टेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड फॉर करना है, तो एक काम कर, तू भी सी ए फर्म है ना, तू भी अपने इंप्लॉइज ट्रेनिंग वगैरह को भेज देना, अपन दोनों कॉस्ट आधा आधा कर लेंगे। तो ये जो एक माइनर इमटेरियल कॉस्ट है, ये अगर तुम शेयर कर रहे हो, तो इससे कोई तुम्हारा नेटवर्क क्रिएट नहीं होता है। फर्दर एन एसोसिएशन बिटवीन अ फर्म एंड अदरवाइज अनरिलेटेड एंटिटी टू जॉइंटली प्रोवाइड अ सर्विस और डेवलप अ प्रोडक्ट, इससे भी तुम्हारा एक नेटवर्क क्रिएट नहीं हो जाएगा। कि कोई इसी एक क्लाइंट को तुमने कोई एक जॉइंट प्रोडक्ट दिया, एग्जाम्पल जॉइंट ऑडिट करके दे रहे हो, तो इससे तुम नेटवर्क एक नेटवर्क के अंदर नहीं आ गए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल समझ लो, जॉइंट ऑडिट इज नॉट अ नेटवर्क, नॉट डीम टू बी नेटवर्क, दैट इज इससे तुम्हारा नेटवर्क नहीं क्रिएट हो जाएगा अगर तुम किसी जॉइंटली सर्विस दे रहे हो या कोई एक प्रोडक्ट दे रहे हो। इसके अलावा डीम टू बी नेटवर्क हो जाएगा अगर तुम शेयर कर रहे हो कॉमन ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट, कॉमन क्वालिटी कंट्रोल, पॉलिसीज, प्रोसीजर, बिजनेस स्ट्रेटजीज तुम्हारी कॉमन है, कॉमन ब्रांड नेम है, एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज तुम शेयर कर रहे हो, और प्रोफेशनल रिसोर्सेज में कॉस्ट, प्रॉफिट, ऑडिट मेथडोलॉजी, ट्रेनिंग्स, ये सब आता है प्रोफेशनल रिसोर्सेज में, ये सारे चीज आती। देखोगे टेक्निकल डिपार्टमेंट, पार्टनर, स्टाफ शेयर कर रहे हो, ऑडिट मेथडोलॉजी, ऑडिट मैनुअल, ट्रेनिंग कोर्सेज, ये सब शेयर कर रहे हो, तो तुम ये सब अगर कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा नेटवर्क हो जाएगा। लेकिन सिर्फ स्पेसिफिकली एक ट्रेनिंग कोर्स, ऑडिट मेथडोलॉजी या ऑडिट मैनुअल वगैरह सिर्फ इतना ही शेयर कर रहे हो, तो इससे नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट अपन आते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेटवर्क, क्या क्या डिफरेंट फॉर्म हो सकती है। हो सकता है तुम म्यूचुअल एंटिटी एक फॉर्म करो जिसमें कि सारे तुम्हारे लोग, पार्टनर वगैरह और अलग अलग फर्म नेटवर्क में शामिल होंगे। पार्टनरशिप फर्म में रूप में कर सकते हो, एलएलपी के रूप में कर सकते हो। एग्जांपल जैसे टीआर चड्डा एंड कंपनी, टीआर चड्डा एंड को एलएलपी होगा तुम्हारा, दिख जाएगा। बाटली बॉय एंड कंपनी एलएलपी है, बहुत सारे एलएलपी है जहाँ पे तुम्हारा दिख जाएगा कि वो एक ब्रांड नेम है, डेट इज दे कॉन्स्टिट्यूट अ नेटवर्क फर्म्स विदिन इट, सो दे आर अ नेटवर्क एज वेल। एंड नेटवर्क कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एज अ कंपनी सब्जेक्ट टू द गाइडलाइन, डेट इज कंपनी फॉर्म में भी तुम नेटवर्क
बना सकते हो, प्रोवाइडेड जो कंपनी फॉर्म में अलाउड सर्विसेज है। अलाउड सर्विसेज कौन कौन सी अपन बताऊंगा, आज तक कंपनी फॉर्म को अलाउ नहीं किया गया था एनी टू प्रोवाइड एनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विस, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने फेरबदल किया है, कंपनी में भी ऐसा प्रैक्टिस तुम कर सकते हो। डेट इज प्रैक्टिस इन नॉट ओनली इन पार्टनरशिप फॉर्म बट ऑल्सो इन द कंपनी फॉर्म, प्रोवाइडेड यू आर ओनली प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। व्हाट सर्विसेज? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस अगर दे रहे हो इन द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस भी तुम कर सकते हो, ऑडिट वगैरह तुम नहीं कर सकते। तो वही बोला कि कंपनी फॉर्म में भी चलेगा चलेगा। नेटवर्क फॉर्म शैल कंसिस्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटर प्रैक्टिशनर पार्टनरशिप और एनी सच एंटिटी प्रोफेशनल अकाउंटेंट एज मे बी परमिटेड। ये दो यहाँ यही से क्वेश्चन आया था इस बार, कहाँ पर? मई 22 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। फर्म इज अलाउड टू ज्वाइन ओनली एंड ओनली वन नेटवर्क। अगर मैं एक सीए फर्म हूँ तो मैंने एक नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया तो मैं दूसरे फर्म को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा फर्म हैविंग कॉमन पार्टनरशिप ज्वाइन ओनली वन नेटवर्क, ये एमसीक्यू आया था कि मैं पार्टनर हूँ सीए वाई, मैं पार्टनर हूँ सीए पी वाई एंड कंपनी में और सीए पी वाई जेड सी एच कंपनी में भी, तो यहाँ पे मैं दोनों फर्म एक ही नेटवर्क को ज्वाइन कर सकती है क्योंकि पी वाई पी वाई कॉमन पार्टनर्स है, एक फर्म एक पार्टनर भी कॉमन होता है, उस केस में वो एक ही फर्म को ज्वाइन करेगी। क्लियर बात है यहाँ तक? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था फर्म का। इसके बारे में अब अपन थोड़ा प्रोसीजरल पार्ट देख लेते हैं। अप्रूवल तुमको कराना पड़ता है जब भी तुम कोई नेटवर्क बना रहे हो, तो तुमको नेटवर्क फर्म का एक अप्रूवल कराना पड़ेगा, नेटवर्क नेम सबसे पहले। जैसे कोई अगर तुम कॉर्पोरेट फॉर्म में अगर नेटवर्क नेम अप्रूव करा रहे हो तो कंपनी फॉर्म में जैसे नाम वगैरह अप्रूव कराना पड़ता है आरओसी के पास, वो तो कराना ही होगा। इसके अलावा नेटवर्क का नाम तुमको आईसीआई से भी पहले अप्रूव कराना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट नेम हो सकता है ये टू बी अप्रूव बाय द इंस्टीट्यूट। एंड एफिलियट्स अलाउड है, एंड एसोसिएट्स वगैरह अलाउड नहीं है। एंड कंपनी एंड एसोसिएट ना, ये फर्म होता है, फर्म का नाम होता है, दैट इज चांडक एंड एसोसिएट, चांडक एंड कंपनी, ये सब फर्म का नाम अलाउड है। अगर मेरे को नेटवर्क का नाम करना है ना तो एंड कंपनी एंड एसोसिएट रखूंगा तो ये फर्म के नाम से कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए इंस्टीट्यूट ने बोला कि एंड अफिलियट ही कर सकते हो, एंड कंपनी एंड एसोसिएट नहीं है, वो ऑलरेडी रिजर्व है फॉर द नेम ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स एंड नॉट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी नेटवर्क फर्म। इसके अलावा एप्लीकेशन अप्रूवल का तुमको देना है ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर एप्लीकेशन दैट इज फॉर्म नेम तुमको देना है, अप्लाई करना है फॉर्म ए में, इंस्टीट्यूट अप्रूव करेगा रिजेक्ट करेगा इंटीमेट कर देगा तुमको विद इन 30 डेज। और मेयर अप्रूवल, अगर तुमको नाम का अप्रूवल मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम नेटवर्क चालू कर दो तो प्रैक्टिस उस नेटवर्क फॉर्म में, नहीं, तुमको अभी रजिस्ट्रेशन कराना बचा है। नाम अप्रूवल होने के बाद तो 3 महीने तक तुम्हारा नाम अभ्यंस में रहेगा, उसके बाद तुमको उतने दिन में रजिस्टर कराना पड़ेगा फॉर्म बी में, दैट इज फॉर्म बी। देखो तुम फॉर्म बी दिख रहा होगा तुमको, आर बी जैसा दिखता है, दिख रहा है तुमको आर बी जैसा, आर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड बी फॉर फॉर्म बी, आर फॉर रजिस्ट्रेशन बी फॉर फॉर्म बी, दैट इज रजिस्ट्रेशन तुमको फॉर्म बी में कराना पड़ेगा। और बी से ही तुमको याद आ जाएगा, देखो 3 दिख रहा है और 3 के सामने एक डंडी लगा दोगे तो बी बन जाएगा, तो फॉर्म बी तुमको देखना पड़ेगा कि तुमको 3 महीने के अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा लिस्टिंग ऑफ नेटवर्क विद एंटिटीज आउटसाइड इंडिया अगर तुम कर रहे हो, एटलीस्ट देश विदेश से बाहर जा रहे हो, तो फॉर्म डी लगेगा तुमको, कौन सा लगेगा, देसी नहीं कर रहे हो तुम, कोई विदेशी एंटिटी को अपने नेटवर्क में ले रहे हो तो तुमको फॉर्म डी लगेगा फॉर लिस्टिंग विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्रिंग इनटू द नेटवर्क अरेंजमेंट। और अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हो अपना, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सी फॉर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, सी फॉर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 30 डेज तुमको फॉर्म सी फाइल करना पड़ेगा अपने नेटवर्क में। किसी फॉर्म को एनरोल करा रहे हो, किसी फॉर्म को हटा रहे हो, किसी फॉर्म को एनरोल या हटा रहे हो या फॉर्म बंद कर रहे हो, जैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज हो रहा है तो फॉर्म सी करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एथिकल कंप्लाइंसेज आ जाएंगे, एक बार तुम्हारी नेटवर्क फर्म बन गई ना तो जितने एथिकल कंप्लाइंसेज है, एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट में तुम लोग को याद होगा कि नेटवर्क फॉर्म में अगर मेरा रोटेशन हो जाता है तो मेरी नेटवर्क फॉर्म भी उस कंपनी की ऑडिटर नहीं बन सकती जब कूलिंग पीरियड आ जाता है, तो अगर कूलिंग पीरियड आ गया तो मैं तो बनूंगा ही नहीं, मेरी नेटवर्क फॉर्म भी नहीं बन सकती, तो ये सारे एथिकल कंप्लाइंसेज तुम्हारे नेटवर्क फॉर्म्स को एप्लीकेबल हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, देखो पहले एग्जांपल क्या दिया, वन फॉर्म ऑफ नेटवर्क इज द स्टैट्यूटोरी ऑफ एंटिटी, तो एसोसिएट इंक्लूडिंग द नेटवर्क फर्म्स और द सेट फर्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली शैल नॉट एक्सेप्ट द इंटरनल ऑडिट बुककीपिंग और सच अदर प्रोफेशनल असाइनमेंट, जो कि सेक्शन 144 में अलाउड नहीं है, ये सारी तुमको सर्विसेज नहीं देना है एज अ नेटवर्क फर्म। अगर तुम ऐसी कोई कंपनी के नेटवर्क फर्म हो, ऐसी कोई फर्म के नेटवर्क फर्म हो जो फर्म ऑलरेडी किसी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रही है, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, मान लो कोई सीए फर्म है, सीए एक्स फर्म है, वो वाई कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उस केस में वाई कंपनी के तुम अगर मान लो चांडक एंड एसोसिएट इसका नेटवर्क फर्म है, तो यहाँ पे वो इंटरनल ऑडिटर बुककीपिंग वगैरह सर्विसेज नहीं दे सकता, जो कि ऑल्सो सेक्शन 144 में भी दिया है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करना, प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, गाइडलाइन ऑन सीलिंग लिमिट, अपन ने जस्ट ऊपर में देखा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी एंड ऐसी अदर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, ये कंपनी इसके केस में क्या बोल रहा था कि तुम्हारी जो ऑडिट फीस है ना उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए अदर असाइनमेंट की फीस, तो ये किसको एप्लीकेबल है,
नेटवर्क फर्म में भी अप्लाई हो जाएगा ये। दैट इज तुम्हारी मान लो कोई नेटवर्क फर्म है जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर है इंक्लूडिंग इट्स एसोसिएट कंसर्न एंड और फर्म्स हैविंग कॉमन पार्टनरशिप। देखो नेटवर्क फर्म दो टाइप की हो सकती है, अभी जैसे अपन ने देखा एक हो गया तुम्हारी समझ लो नेटवर्क फर्म में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट ध्यान से सुनना, सीए मतलब एक्स वाई जेड एंड कंपनी है एक फर्म, और एक है वाई ए बी एंड कंपनी, ये तुम्हारी कॉमन पार्टनर वाली नेटवर्क फर्म हो गई, और एक और है नेटवर्क फर्म ए ए ए एंड कंपनी मान लो बस प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ये भी इस नेटवर्क में ज्वाइन है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट प्रॉफिट शेयरिंग ब्रांड नेम ये सब कर रही है, लेकिन इसमें कॉमन फर्म नहीं है, कॉमन पार्टनर नहीं है, ना ही ये इन लोग की कोई एसोसिएट कंसर्न है, कोई रिलेटिव वगैरह कोई कुछ नहीं है। अच्छा सॉरी ए यहाँ पे आ गया, इसको डी कर दो, डी डी एंड कंपनी कॉमन पार्टनर भी नहीं है ना, वाई ए बी और एक्स वाई जेड का कोई कॉमन पार्टनर नहीं है, लेकिन ये एक नेटवर्क फर्म है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग कॉस्ट शेयरिंग ब्रांड नेम ये सब कुछ कुछ कर रही है, तो ये एक नेटवर्क फर्म अलग हो गई, और ये दोनों जो नेटवर्क फर्म है ना ये एक अलग कैटेगरी हो गई। तो इसको मान लो इसको डालो कैटेगरी वन वाली नेटवर्क फर्म और इसको डालो कैटेगरी टू वाली नेटवर्क फर्म, अगर दोनों कैटेगरी वाली समझ में आ गई तो ठीक है आगे बढ़ो, वरना एक बार थोड़ा सा वापस से पॉज करके समझना। इसके बाद अपन आते हैं यहाँ पे कैटेगरी वन और कैटेगरी टू। तो ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है ना ये कैटेगरी वन के लिए बोल रहा है, वन के लिए क्या बोल रहा है कि जो कैटेगरी वन दैट इज कॉमन पार्टनर वाली या एसोसिएट कंसर्न वाली जो नेटवर्क फर्म है ना उस केस में तुमको वही नोटिफिकेशन को फॉलो करना है जो ऊपर दिया था, दैट इज इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लिस्टेड कंपनी एंड अदर पब्लिक कंपनी हैविंग सॉरी गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल सॉरी हैविंग टर्नओवर 50 करोड़ या मोर, उस केस में तुमको स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस से ज्यादा ऑडिट फी अदर असाइनमेंट की एक्सेप्ट नहीं करनी है, सेम एज इट इज वही लग जाएगा। जो बाकी फर्म्स है सेम नेटवर्क में जैसे मैंने बताया ये वाली कैटेगरी टू, ये जो बाकी फर्म है सेम फर्म में अदर देन एसोसिएट और कॉमन पार्टनर वाली जो फर्म है उस केस में तुमको याद रखना है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस है उससे 3 गुना फीस तुम एक्सेप्ट ज्यादा नहीं कर सकते, दैट इज फॉर अदर फर्म ऑफ द सेम नेटवर्क कलेक्टिवली इट शेल बी 3 टाइम्स ऑफ द फी पेबल फॉर द कैरिंग आउट द स्टैट्यूटरी ऑडिट। जैसे मान लो कैटेगरी वन के लिए क्या हो जाएगा, कैटेगरी वन के लिए होगा तुम्हारा अगर 5 लाख स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस है दैट इज स्टेट ऑडिट फीस इज ₹5 लाख, उस केस में कैटेगरी वन वाले मोर देन 5 लाख एक्सेप्ट नहीं कर सकते और कैटेगरी टू वाले मोर देन 15 लाख एक्सेप्ट नहीं कर सकते अदर असाइनमेंट अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज का। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? एक बार नहीं है तो एक बार फिर से देख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। इन दोस केसेस वेयर रोटेशन ऑफ फर्म मैंने बताया ऑलरेडी रोटेशन जो एप्लीकेबल हो जाता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 वो यहाँ पे भी तुम्हारा एप्लीकेबल हो जाएगा, एक बार तुम्हारी अगर नेटवर्क बन जाती है नेटवर्क एडवर्टाइज कर सकती है हाँ टू द एक्सटेंट परमिटेड नेटवर्क कर सकती है परमिट, तुमको ये भी परमिटेड है कि तुम अपने लेटर एड में लिख सकते हो कि हम नेटवर्क फर्म इस फर्म इट्स नेटवर्क के नेटवर्क फर्म है, हम इस नेटवर्क के नेटवर्क फर्म है, तुम ये परमिटेड है तुम यूज कर सकते हो इन द नेटवर्क फर्म्स ऑन देयर प्रोफेशनल स्टेशनरी। गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस मैंने बताया था आज तक कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में अलाउड नहीं था, बट इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में अलाउड किया, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड तुम्हारी कंडीशन क्या है कि तुम सिर्फ और सिर्फ कंपनी फॉर्म में प्रैक्टिस तब कर सकते हो जब तुम ऑडिट अश्योरेंस सर्विस दे नहीं रहे हो, पहली बात, अदर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस ही दे सकते हो, बस यही शर्त है इंस्टीट्यूट की कि अलाउ किया उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस को कि वो चाहे तो एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बॉडी कॉर्पोरेट के बन सकते हैं, ऐसे तो जनरली एमडी डब्ल्यूटीडी तुम नहीं बन सकते हो कोई भी कंपनी के, दैट इज एमडी डब्ल्यूटीडी अगर तुम बनते हो तो शेड्यूल वन पार्ट वन क्लॉज 11 में जीपीएम हो जाओगे, लेकिन अगर तुम कोई कंसल्टेंसी कंपनी के एमडी डब्ल्यूटीडी बन रहे हो और तुम्हारी कंपनी है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट उस केस में एंगेज एक्सक्लूसिवली इन रेंडरिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज तो तुम बन सकते हो, उस केस में बस अलाउ किया है, उसके अलावा एमडी डब्ल्यूटीडी अलाउड नहीं होता है जनरली। इसके अलावा मेंबर इसके दौरान ही मतलब जब तुम सीओपी होल्ड किए हुए और तुम साथ ही साथ एमडी डब्ल्यूटीडी भी हो तो जनरली क्लॉज वन शेड्यूल वन पार्ट वन क्लॉज 11 में तो बोल देता है कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम नहीं रह सकते अगर तुम एमडी डब्ल्यूटीडी हो किसी कंपनी के, लेकिन यहाँ पे अगर तुम एमडी डब्ल्यूटीडी हो किसी कंपनी के और वो कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही है दैट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस अदर देन ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज, उस केस में तुम एमडी डब्ल्यूटीडी बन गए हो तो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस की सर्विसेज भी कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी जो तुम्हारी दूसरी फर्म है उस केस में तुम ऑडिट भी सर्विसेज दे सकते हो फुल टाइम सीओपी बिसाइड बीइंग एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर ऑफ सच मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द क्वांटम ऑफ इक्विटी होल्डिंग, तुम जितनी कंपनी की इक्विटी होल्ड करना चाहते हो कर लो आइदर इंडिविजुअली या फिर रिलेटिव के साथ, सच मेंबर शैल बी रिगार्डेड बीइंग इन फुल टाइम प्रैक्टिस एंड कंटिन्यू टू डू द अटेस्टिंग फंक्शन, वो कंटिन्यू कर सकता है टैक्स ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट जो ऑडिट उसको करना है वो सारी वो कर सकता है, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं नो नो ऑडिट प्रैक्टिस कैन बी डन इन द कॉर्पोरेट फॉर्म, नो ऑडिट प्रैक्टिस कैन बी डन इन द कॉर्पोरेट फॉर्म, ये याद रखना कि ऑडिट तुम नहीं कर सकते कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में। अब एक बार तुम लोग
मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस चालू कर दियो, तो वो कंपनी को बाकी जो लिमिट है वो तो अप्लाई होगी, बाकी जो सीलिंग लिमिट थी ऊपर वाली वो अप्लाई होगी। दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट से ज्यादा तुम फीस एक्सेप्ट नहीं कर सकते अगर तुम्हारी कोई नेटवर्क फॉर्म उस कंपनी का, दैट इज लिस्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, पब्लिक कंपनी हैविंग पेड हैविंग टर्नओवर 50 करोड़ और मोर, या फिर गवर्नमेंट कंपनी, इसका तुम स्टैट्यूटरी ऑडिट तुम्हारी कोई नेटवर्क फॉर्म या कोई फॉर्म कर रही है उस केस में तुम उस नेटवर्क फॉर्म की कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी वगैरह देते हो, तो वो कंपनी अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज जब उठाएगी तो स्टैट्यूटरी ऑडिट से ज्यादा फीस नहीं, जो लिमिट है वो तो लगेगी लगेगी। इसके अलावा तुम इंटरनल ऑडिट बुकिंग सर्विसेज तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेक्शन 144 में दिया हुआ है प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा कंप्लाई करना शेड्यूल 6-7 और पार्ट वन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल से तुमको कंप्लाई करना ही है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ओनली एंड ओनली मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस ही तुम दे सकते हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी दिया होगा, ऑडिट वगैरह कोई सर्विस इसके अलावा तुम नहीं दे सकते। ऑडिट क्या और कोई भी सर्विस तुम नहीं दे सकते। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में अगर तुमको करना है तो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विस ही देगी वो कंपनी, बस ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिया हुआ ना। इसके अलावा राइटअप की गाइडलाइन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं कवर, शेड्यूल वन पार्ट वन क्लॉज 7 में, क्लॉज 6 में वेबसाइट की गाइडलाइन भी कवर कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट था या मैंने जो मार्क किया हुआ था कि ये सारे पुल ओनली वाले में ही चलेंगे, बाकी सारे पुश में चल सकते हैं इन द वेबसाइट, इन द वेबसाइट पुश इन द सेंस अपने आप दिख रहे तो भी चलेगा। ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में आ जाओ, ऑनलाइन थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है सुनते चलो। तो इसमें देखो ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में क्या बोलता है कि बहुत सारी ना अलग अलग फर्म ना सीएस लोगों को हायर करके सीएस का काम करवाती है, क्लाइंट्स को बुलाती है, बोलती है कि ये सीए तुम्हारा काम कर देगा और ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में वर्क कर रही है वो। इन द सेंस बेस्ट एग्जांपल ले लो क्लियर टैक्स का, क्लियर टैक्स नंबर ऑफ नॉन सीए फर्म्स कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग बैंक फाइनेंस कंपनी न्यूज़पेपर खुद की वेबसाइट चालू कर दिए ऑन टैक्सेशन और अदर एरिया जहाँ पे सीए भी काम करते हैं एंड वेयर सीएस आर रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, वहां पे वो लोग भी आ चुके हैं और सीएस को भी बुलाते हैं। सम ऑफ सच वेबसाइट रिक्वेस्ट सीएस या फर्म्स टू प्रोवाइड कंसल्टेशन एंड एडवाइजेस थ्रू देयर वेबसाइट, काम तो करवाते हैं और तुम भी काम करते हो उनके लिए, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना कि और कोई सर्विस बिसाइड कंसल्टेंसी एंड एडवाइस कैन बी रेंडर थ्रू सच वेबसाइट, उस वेबसाइट में जैसे क्लियर टैक्स में भी देखोगे तुम लोग तो क्लियर टैक्स में टैक्सेशन अकाउंटिंग ये सब सर्विसेज के लिए ही तुमको दिखेगा, एलएलपी एमसीए सर्विसेज वगैरह जो रहती है। इसके अलावा कंसल्टेंसी एंड एडवाइस के अलावा और कोई सर्विस तुम वेबसाइट में नहीं दे सकते हो, तुम प्लम्बिंग का काम दे रहे हो कुछ और काम दे नंबर का ये सब का वेबसाइट में एड्रेस वेबसाइट में कोई सर्विस ये सब प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके अलावा दिस वुड बी परमिटेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन डेट एंड वेबसाइट में कॉन्टैक्ट एड्रेस सीए का प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, सीए का बस बताया जाएगा तुम इससे बात करो तो ऑनलाइन ही सब चीज होगा। वेबसाइट विल कंटेन एनी मटेरियल सच एडवर्टीजमेंट प्रोफेशनल अचीवमेंट और स्टेटस ऑफ सच सीए एक्सेप्ट मेकिंग अ स्टेटमेंट डेट दे आर सीए, ये सब नहीं किया जाएगा, बस ये बता सकते हो कि ये सीए है यही तुमको सर्विस दे रहे हैं एंड सीए फॉर्म विद सीए सफिस वुड नॉट बी परमिटेड। ऑफकोर्स जब तुम्हारा इतनी सारी चीजें नहीं बताने बोल रहे, कॉन्टैक्ट एड्रेस हो गया ये सब नहीं बताने बोल रहे तो सीए फॉर्म खाक ना बताने देगा तुमको, सीए फॉर्म नाम नहीं बताने देगा इंस्टीट्यूट। इसके अलावा आ जाओ नेम फर्म या फर्म नेम तुम्हारा या खुद का नाम पब्लिकेशन हो रहा है टेलीफोन या अदर डायरेक्टरीज में पब्लिश बाय द टेलीफोन अथॉरिटी या प्राइवेट बॉडी, उस केस में तुमको ध्यान रखनी कुछ बातें, रिस्ट्रिक्शंस है तुम्हारे ऊपर कुछ बातें कि शुड नॉट अपियर एंट्री जो तुम्हारी है ना डायरेक्टरी के अंदर, जैसे समझ लो फोन डायरेक्टरी है रायपुर की, पूरी सिटी की डायरेक्टरी है, इसमें सबका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नाम दिया हुआ है, तो उसमें तुमको कोशिश करना कि तुम्हारा नाम अलग से नहीं दिखे कि अलग से सीए कैटेगरी में, शुड नॉट अपियर इन एनी अदर सेक्शन कैटेगरी एक्सेप्ट डेट ऑफ सीए, दैट इज सीएस की कैटेगरी में ही दिखना चाहिए, इसके अलावा और कोई कैटेगरी में नहीं दिखना चाहिए। इसके अलावा मेंबर फर्म शुड बिलोंग टू द टाउन सिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टरी पब्लिश हुई है, उस सिटी टाउन में ही तुम रह रहे हो, तुम्हारा मुंबई में रहते नहीं हो लेकिन तुम्हारी मुंबई टाउन सिटी में भी डायरेक्टरी मुंबई की कैटेगरी में, मुंबई की डायरेक्टरी में भी पब्लिश हो गया नाम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ द एंट्री शुड बी इन अल्फाबेटिकल मैनर, ऑफकोर्स मेरा नाम यश है और मेरा नाम सबसे ऊपर में आ रहा है, वाह वाह वाह, ऐसा नहीं होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो मेरा नाम सबसे आखिरी में ही आएगा और मेरे को कोई आते आते तक सब लोग किसी और से पहले ही एंगेज हो जाएंगे। एंट्री शुड नॉट बी मेड इन अ डिफरेंशियल और प्रोमिनेंट मैनर गिविंग द इंप्रेशन ऑफ पब्लिसिटी या एडवर्टीजमेंट, ऐसा कुछ नहीं करना तुमको जिससे पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट हो। प्लस एंट्री शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड एंड शुड बी ओपन टू ऑल द सीए फर्म या फर्म ऑफ सीए, एक सीए फर्म की डायरेक्टरी बन रही है मान लो मोटा मोटी, तो तुमको कोशिश करना है कि सीए कैटेगरी में ही डालना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, जिस सिटी में तुम हो उस सिटी की डायरेक्टरी में ही तुम्हारा नाम आ रहा है, कोई और सिटी में नहीं आ रहा है। एंड मेंबर्स कैन ऑल्सो इंक्लूड देयर नेम्स इन द ट्रेड या सोशल डायरेक्टरीज एज वेल। इसके अलावा एप्लीकेशन में सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर मार्क करो, इसको इंपॉर्टेंट प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन में बोल सकता हूँ क्योंकि ये ग्रूमिंग एरिया है, नया एरिया डेवलप होते जा रहा है, तुम लोग को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली डाउनलोड करना तुम लोग ऐप अपने गूगल स्टोर से, इन शॉर्ट इन शॉर्ट इन शॉर्ट नहीं न्यूज वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, ना ही वो फोटो एडिटर वाला, इन शॉर्ट इन शॉर्ट या ऐप का नाम है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऐप का नाम होता है
शॉर्ट्स, सीए शॉर्ट या ऐसा कुछ, जहां पे ना क्या करती है कि जो क्लाइंट है और जो सीएस है वो दोनों को एग्रीगेट किया जा रहा है। एग्रीगेट इन द सेंस क्लाइंट को जो काम है और जो सीए को जो काम है वो एग्रीगेट किया जा रहा है। इसके अलावा क्लाइंट को तो छोड़ो, ये तो ऊपर हो गया वेबसाइट वाले प्लेटफॉर्म में, मैं ये ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत पुरानी फर्म है मेरी, मेरे पास बहुत भर भर के काम है, और मैं चाहता हूँ कि कोई छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अभी अभी फ्रेशर है उसको मैं हायर कर लूँ, तो मैं चाहूँ तो मैं अपने इस फर्म में काम डाल सकता हूँ। जो फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको पता चल जाएगा कि किसी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, स्पेसिफिकली मेरा नहीं पता चलेगा, कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्टॉक ऑडिट करवाना है, कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये बैंक ऑडिट कॉन्करेंट ऑडिट करवाना है, उसके लिए वो 30 दिन के लिए हायर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, तो वो उसको पता चल जाएगा, मेरे को भी पता चल जाएगा, हम दोनों इंटरव्यू करेंगे, बाद में हम ज्वाइन होंगे, लेकिन उससे पहले हमारी कोई बातचीत वगैरह नहीं होती है, हमको बाद में सब चीज पता चल जाएगा, लेकिन पहले कुछ पता नहीं रहता। तो इट इज नॉट परमिसिबल फॉर मेंबर्स टू लिस्ट देमसेल्फ विद ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर। एग्रीगेटर मॉडल का ये बात है, जैसे ओला उबेर होती है वैसे ही समझ लो, तुम्हारी एक सीए बहुत बुरी सीए फर्म है और एक अभी फ्रेशर सीए फर्म है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। सीए फर्म को बहुत पास बहुत काम है, सीए फ्रेशर के पास बहुत कम काम है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो एग्रीगेटर में आके देख ले किसको किसकी काम की जरूरत है, वेर इन अदर कैटेगरीज लाइक बिजनेसमैन टेक्नीशियन ये सब, लेकिन तुम्हारे एग्रीगेटर मॉडल वाले ऐप जो है एप्लीकेशन वगैरह है उस एप्लीकेशन में ये सब अलाउड नहीं होना चाहिए एग्रीगेशन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सी ए एक्स है सी ए वाई है, ये दोनों ने एमबीए किया, मान लो एग्जाम्पल आई एम अहमदाबाद से, बाद में आई एम अहमदाबाद में इस लोगों का खूब नेटवर्क बन गया, नेटवर्क बनने के बाद ये लोग ने सोचा कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये दोनों ने बोला कि नहीं नहीं बिजनेस नहीं करना, हमको तो प्रैक्टिस ही करनी है, तो ये लोग चले गए वापस से सीधा एप्लीकेशन में सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर में, ये लोग ने एग्रीगेटर मॉडल एक ऐप बनाया अदर एमबीएस के साथ, और उस एमबीएस में साथ में बाकी एमबीएस ने अपनी अदर बिजनेस बिजनेसेस जो है वो सारी भी लिस्ट करा दी एग्रीगेटर मॉडल ऐप में, और वो ऐप में बाकी बिजनेसेस भी दिख रहे हैं जो कि एमबीएस कर रहे हैं, तो वो जो एग्रीगेटर मॉडल ऐप है वहां पे जो तुम प्रैक्टिसिंग सर्विस एग्रीगेट करना चाह रहे हो वो अलाउड नहीं होगा, वो जीपीएम हो जाओगे तुम, जो भी एक्सेप्ट करेगा और जो भी सर्विसेज देगा उस एग्रीगेट ऐप मॉडल में वो एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर वैलिड नहीं रहेगा। स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरीज फॉर लिमिटेड सर्कुलेशन में आ जाओ, नेम डिस्क्रिप्शन एड्रेस ऑफ द मेंबर मे अपियर इन एनी डायरेक्टरी या लिस्ट ऑफ मेंबर, एग्जाम्पल इसका मैं दे रहा हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की डायरेक्टरी समझ लो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की डायरेक्टरी समझ लो, उस केस में तुम्हारा नाम डिस्क्रिप्शन और एड्रेस ऑफ द मेंबर अपियर किया जा सकता है उस डायरेक्टरी में, नेम अल्फाबेटिकली लिस्टेड होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरी हुज हु वगैरह में देखो क्या बोलता है कि इंफॉर्मेशन बियरिंग माइंड नेचर और पर्पस क्या है पब्लिकेशन का, ये तुमको ध्यान में रखना है, प्लस कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि नाम डिस्क्रिप्शन और एड्रेस ऑफ दोज ऑफ द फर्म दे सकते हो, फर्म का नाम एड्रेस और डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, डायरेक्टरशिप तुमने कौन कौन सी कंपनी में हेल्ड की है दे सकते हो, लेकिन तुम्हारे क्लाइंट का नाम वगैरह नहीं दे सकते, क्लाइंट का नाम तुम नहीं दे सकते, डायरेक्टरशिप कहाँ का तुमने हेल्ड की है, नाम फर्म का नाम, नाम कंपनी का सॉरी फर्म का, डिस्क्रिप्शन और कॉन्टेक्ट एड्रेस ऑफ द सीए फर्म दे सकते हो, कहाँ दे सकता हूँ मैं, डायरेक्टरी कौन सी डायरेक्टरी समझ लो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की डायरेक्टरी मान लो, तो ये स्पेशलाइज डायरेक्टरी है फॉर लिमिटेड सर्कुलेशन है, ये तुमको ध्यान रखना, जो लिमिटेड सर्कुलेशन ही हो रहा है पहली बात, तुमको इसका नेचर याद रखना है, पब्लिकेशन ज्यादा नहीं हो रहा है, और प्लस तुम अपने फर्म का नाम कॉन्टेक्ट एड्रेस डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, डायरेक्टरशिप तुम कहाँ का हेल्ड किया वो दे सकते हो, लेकिन क्लाइंट के बारे में नहीं बता सकते, प्लस आ जाओ एग्जेम्पशंस में, एग्जेम्पशन कहीं कहीं दिया हुआ है कि जहां जहां तुम एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, एग्जाम्पल जहां जहां दिया है रिक्रूटमेंट स्टाफ रिक्रूटमेंट करना है तो खुद के ऑफिस के लिए या मेंबर के ओन ऑफिस के लिए तुमको रिक्रूटमेंट स्टाफ करना है तो तुम कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट इंसर्टेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स फॉर स्टाफ या विशिंग टू एक्वायर डिस्पोज ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी, तुम्हारे क्लाइंट को स्टाफ रिक्वायरमेंट है, अभी पहले वाले पॉइंट में तुम्हारे को स्टाफ रिक्वायरमेंट थी, अब तुम्हारे क्लाइंट को स्टाफ रिक्वायरमेंट है या फिर तुम्हारे स्टाफ को प्रॉपर्टी या बिजनेस में डीलिंग करनी है, उसके बिहाफ में क्लाइंट के बिहाफ में तुम अगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो भी अलाउ किया गया है, एग्जेम्पशन दिया गया है, और सेल ऑफ बिजनेस और प्रॉपर्टी बाय मेंबर एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी ट्रस्टी लिक्विडेटर हो, मान लो तुम रिसीवर हो लिक्विडेटर हो, तुमको सारे ऐसे डिस्पोज ऑफ करने हैं एज अ ट्रस्टी एज अ लिक्विडेटर एज अ रिसीवर, और तुम उसके लिए एडवर्टीजमेंट कर सकते हो न्यूज़पेपर में, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ये अलाउड है, तुम ऐसे प्रोफेशनल कैपेसिटी में ही काम कर रहे हो ये भी अलाउ किया है, ये 3 एग्जेम्पशन है एडवर्टीजमेंट का, इसमें तुमको ध्यान रखना है कि तुमको ऐसी बातें नहीं लिखनी कि वेल नोन फर्म ये सब फलना डिकना एक्सप्रेशन वगैरह यूज नहीं करना है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, वेल नोन फर्म नहीं करना है, एंड शुड नॉट कंटेन एनी प्रमोशनल एलिमेंट नॉर देर शुड बी एनी सजेशन डेट सर्विसेज ऑफर्ड बाय सीए और इस फर्म आर सुपीरियर, सुपीरियरिटी नहीं बता सकते, ये तो ऑलरेडी अपन ने शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 7 में देखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे खत्म होता है अपना काउंसिल जनरल गाइडलाइन रिसेंट एथिकल डिसीजन बोर्ड, ऑलरेडी हमने किया हुआ है, अगले किसी वीडियो में एक अलग से वीडियो तुमको मिल जाएगा एथिकल डिसीजन 15 मिनट का वीडियो होगा और उसमें हमने सेल्फ रेगुलेटरी मेजर भी डिस्कस किया था, सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो अगर चैनल पसंद है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये एरिया है
सेल्फ रेगुलेटरी मेजर हो गया, डिसीजन, रिसेंट डिसीजन ऑन एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड और काउंसिल जनरल गाइडलाइन, यहां से एमसीक्यू प्रोन एरिया ये, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का भी दिख सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसको अच्छे से करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच रिविजन वीडियोज। होप यू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।